नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सभी राजनीतिक दलों ने 2022 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रख अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। सभी के घोषणा पत्रों में जनता की आम समस्या और अहम मुद्दों को रखा गया है, लेकिन जनता का क्या है मोड, जनता क्या चाहती है, क्या ऐसे अहम मुद्दे हो सकते हैं जो अभी भी सरकार के घोषणा पत्र में शामिल नहीं है, इसी को जानने के लिए आज हम जनता से उनका मूड जानेंगे और जानेंगे कि क्या है वो अहम मुद्दे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि 2022 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रख घोषणा पत्रों में क्या सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड में जो पलायन की स्थिति है, सरकार हमेशा उसको रोकने की बात करती है, लेकिन इसमें, इस घोषणा पत्र में बिल्कुल कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है। और दूसरी बात यह है कि जो स्वास्थ्य जो समस्याएं है, शिक्षा की जो समस्याएं है, पानी की समस्याएं हैं, जो तमाम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये सरकार जो नारा लगाती है, इस घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं लिखा गया। सिर्फ ये खोखली बातें ही भाजपा कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, सबको शिक्षा सबको स्वास्थ्य जो उत्तराखंड में जो सरकार कहती है, लेकिन ये सिर्फ जो है कि कोरे कागजों में तक ही सीमित है। जी, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए वो अहम मुद्दे जो सरकार को अपने घोषणा पत्र में ऐड करने चाहिए? अहम मुद्दे तो सबसे बड़ा तो उत्तराखंड में पलायन की स्थिति सबसे बड़ी है। आज सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, सबसे बड़ा, क्योंकि लोग आज जो है कि रोजगार के लिए तमाम जगह भटकते रहते हैं, गांव से आते हैं, कई ऐसे जगहों से आते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। सरकार कहती है कि ठीक है, हम आपके गांव में, आपके शहरों में कहीं जगह आपको रोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज तक। जी, अगर आप घोषणा पत्र तैयार करें कोई, तो उस घोषणा पत्र में ऐसी तीन कौन सी मुख्य समस्याएं होंगी, कौन सी ऐसी तीन अहम मुद्दे होंगे जो आप सबसे ऊपर रखेंगे? सबसे पहले मैं पलायन की बात करूंगा, दूसरी बात स्वास्थ्य की, तीसरी बात शिक्षा की, और चौथी बात पानी की जो समस्याएं हैं, आज लोग उसके लिए भी बहुत दर दर भटकते हैं। जी, ये सरकार इस चीज़ पे कभी अमल नहीं करती है, सिर्फ ये झूठे वादे जो है कि उसमें जो मैनिफेस्टो इन्होंने अपना बनाया है, उसमें सिर्फ ये, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों इसी तरह से, मतलब उनका जो मैनिफेस्टो में किसी जनता के जो जो उनके जो कामों के लिए जो उनका जो वो है, उनके लिए कुछ भी वो नहीं किया गया है, सिर्फ झूठा झूठे वादा करते हैं, और ये चलता रहता है भाजपा कांग्रेस का उत्तराखंड में। तो अभी हमारा एक संकल्प है कि इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को जो है सरकार बनानी चाहिए, और जनता को भी ये एक बार सोच लेना चाहिए कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसमें जो है कि पहली जो पसंद लोगों की अभी बनी है वो आम आदमी पार्टी बनी। धन्यवाद। आपने जैसे सुना कि इन्होंने भी यही बात कही, अब हम और लोगों से जानेंगे कि किस तरीके की सोच वो रखते हैं, किन मुद्दों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, तो और लोगों से जानेंगे। चलिए जानते हैं इनसे कि 2022 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रख कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किए। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो कि उत्तराखंड में ये आयुर्वेदिक जो पोस्ट है, इसका अभी तक कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में सरकार ने कौन सा उल्लेखनीय योगदान किया है। और ये जो लोग घोषणा पत्र में इसको करते कि भाई हम जो ये गेस्ट हैं उनको पूर्णकालिक जो है वो बनाना, इनके लिए हम अपना जो, अब जैसे एक कला वर्ग है, सारे रिजल्ट खोल दिए गए हैं, उनको लटका रखा है, अब चाहे कोर्ट में है, लेकिन भाई ऐसा क्यों, पहले क्यों किया सरकार ने, कि पहले ही बोला कि नॉन बीएड और बीएड, अब बोल रहे हैं कि साहब ये जो है वो माने किसी कारण से उन्होंने उसको भी बंद कर रखा है रिजल्ट। तो इसलिए ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है उत्तराखंड में इस समय जो है, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अगर बात की जाए राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र की और आपके मूड की, तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से तीन अहम मुद्दे होंगे जो सरकार को, और आप अगर घोषणा पत्र बनाते तो उसमें डाल? हमारा तो यही मुद्दा था कि जो घोषणा पत्र में सबसे पहले तो जो ये जो हमारे नौजवान हैं जो सड़कों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगारी की लाइन पे खड़े हैं, डिप्लोमे किए हुए हैं, लेकिन आज कोई भी रोजगार के क्षेत्र में जो है इनको कोई काम या कोई सरकार ऐसी कोई वो नहीं खोल रही है कि इनको रोजगार दिया जाए। तो ये हम सबसे पहले बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा जो हम उसमें रखते
तो यही रखते कि बेरोजगारी कैसे दूर हो। जिन्होंने लाखों लाखों रुपए जो है इन मतलब अपने बच्चों की ट्रेनिंग पे या अपने उसमें खर्च कर रखे हैं, ये इसीलिए कि कल के दिन हमारा बच्चा हमको कुछ कमा करके देगा, लेकिन आज बच्चे जो है बेरोजगारी के उस पर खड़े हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होता कि जो बेरोजगारी है इसको कैसे दूर किया जाए, और जो हम कुछ माने औद्योगिक क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हम वो तो कुछ ना कुछ इन बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि घोषणा पत्र अगर आप बनाते तो उसमें क्या तीन अहम मुद्दे जो रखते आप? देखिए जी, जैसे इन्होंने बताया है कि सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है, ठीक है जी। अच्छा, बेरोजगारी अगर यहाँ पे इसी तरह से रहेगी तो यहाँ से पलायन तो होता ही रहेगा। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, एक तो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों की एजुकेशन का। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे हॉस्पिटल का, कोई बढ़िया डॉक्टर किसी गांव में नहीं जाना जाता, कोई अगर बीमार हो जाता तो उसको जो है बड़े शहरों में जाना पड़ता जहाँ की वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यही दो तीन मुद्दे जो है ना, ये बहुत ही यहाँ के उत्तराखंड के लिए जो है, ये ग्रामीण क्षेत्र जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके लिए ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बढ़िया दुर्गम क्षेत्र में, कि यहाँ का अगर ये दो तीन सुविधाएं मिल जाए एजुकेशन की तो, और तो यहाँ ये पलायन भी रुक सकता है। यहाँ से जो पलायन होता है, दिन प्रतिदिन पलायन हो रहा है, ये रुक सकता है इसके लिए। तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ जो है इस पे विचार करना चाहिए, यही दो चीजें बहुत। तो यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रख राजनीतिक दलों ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है, आपके हिसाब से सरकार के घोषणा पत्र में क्या चीजों की कमी है? कि जो सरकार कोई भी भर्ती निकालती है तो उसमें हम देखते हैं कि सभी भर्तियां ज्यादातर कोर्ट में लटकी रहती है। भर्ती पहले निकलती नहीं, कोर्ट में पहुंच जाती है। कोई भी भर्ती देखो आप, LT देखो आप, कोई भी भर्ती देखो आप, UPCL की भर्ती देखो आप, कोई भी भर्ती, किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं, बिस प्राइमरी की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, किसी शिक्षा आपको अभी तो आचार संहिता लेकर नहीं, आप हमेशा भीड़ देखने को मिलती है। कोई भी भर्ती है, हर भर्ती को ये कोर्ट में ले जाते हैं। क्या इनकी नीति रहती है, क्यों इस प्रकार के नियम बनाते हैं, और रिजल्ट भी इनको दो दो तीन तीन साल लगते हैं खोलने में किसी भी रिजल्ट को। आप यही LT की बात करें, LT जो है 8 तारीख को अगस्त को हुआ और रिजल्ट इनका लास्ट दिसंबर 4 महीने बाद निकल रहा है। वही उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा राज्य है ना, उस राज्य में 1 महीने में रिजल्ट खुला। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता क्या यहाँ सरकार करना चाहती है और किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करेंगे, ये अभी तक समझ में नहीं आया। LT कला का मामला है, LT कला में रोक लगा दी भाई, क्यों? सरकार ने खुद बोला कि भाई नॉन बियर लगेंगे, फिर अपने आप ही रोक लगवा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी इतना परेशान कर रहे हैं? जो बीएड वाले आदमी हैं, जो बीएड जिन्होंने बीएड किया है वो तो बिल्कुल पूर्ण रूप से हैं, उनका रिजल्ट खोल दो, क्यों उनको भी उसमें तंग कर रखा है हर चीज में। मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पल सिकंजा कस रखा है। तो पर क्या लगता है आपको, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री जो है धामी जी, उन्होंने ये बात कही कि हम सबसे पहले रोजगार पर ध्यान देंगे, बेरोजगारों को हमने भी 2000 नौकरियां देंगे, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं वो कितनी आप लोगों तक पहुंची है वो जानना चाहेंगे। देखिए, ये सब घोषणाएं होती हैं, धरातल पे कोई भी बात सार्थक नहीं हुई, केवल बोलने वाली बात है कि 24,000 नौकरी देंगे, पर अभी तक हमने स्वच्छ रूप से देखें तो 2,000 नियुक्ति भी नहीं हुई है। हम इस सरकार से बहुत रूप से खफा हैं, क्योंकि इस सरकार ने जो है हर मुद्दे को, हर भर्ती को कोर्ट में ले जाया है, कोर्ट में इनकी नीति है, हर चीज को इन्होंने कोर्ट में ले गए, कोई भी भर्ती पूर्ण रूप से सही रूप से नहीं करा रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन है सरकार से, कोई भी सरकार, आने वाली सरकार जो भी आएगी, कि इस प्रकार की भर्तियां ना कराएं, हर चीज को एक सुचारू रूप से पहले नियमावली बना दें, बार बार नियमावली में चेंज ना करें, जिस प्रकार से बेरोजगार तंग होकर कोर्ट जाना पड़े, इस प्रकार से हमारा निवेदन रहेगा। चाहे ये बेरोजगार लोगों की तरफ से हमारा अपील रहेगा सरकार के लिए कि इस प्रकार की उम्मीद रखें। आपके हिसाब से कौन होगा CM? क्या है जनता का मूड इस बार? इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जो CM जो भी होगा, जो भी होना चाहिए, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, ये तो खैर जनता बता देगी, पर मेरे तरफ से हम अपने पर्टिकुलर व्यू नहीं दे सकते हैं। जिन्होंने बेरोजगारी दर, जो हमारे बेरोजगारी के दुख दर्द को समझेगा, वही CM होगा। धन्यवाद। अब जानते हैं और महिलाओं से भी जानेंगे कि किस तरीके की वो सोच सकते हैं, क्या है जनता का मूड इस बात को लेकर। तो 2022 विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, सभी ने अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी घोषणाएं शामिल की हैं, पर आपके हिसाब से क्या है राजनीतिक दलों की घोषणा पत्रों में मिसिंग चीज? कांग्रेस की बात करते हैं पहले, महिला सशक्तिकरण। 6-7 महीना में यहाँ बैठे हुए होंगे, सामने 200 मीटर पे
कांग्रेस का मुख्यालय है, कोई उठ के तो आया नहीं, आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो वो क्या आप सशक्तिकरण की बात करेंगे? तो वो मुद्दा फेल, आगे भी कोई उम्मीद है नहीं उस पर, नौकरियाँ है नहीं, जिनकी है उनको भी मतलब श्योरिटी नहीं है कि आगे वो लोग कंटिन्यू करेंगे या नहीं कर पाएंगे बस। और फ्री बिजली पानी देंगे अगर, तो रेवेन्यू कहाँ जनरेट होगा? जब रेवेन्यू नहीं होगा डेवलपमेंट कहाँ से होगा? तो मैम ये सब सोच के उन्हें फिर से सोचना चाहिए, फिर से मंथन करना चाहिए कि जब हम लोग मैनिफेस्टो बना रहे हैं या जो हम लोग वादे कर रहे हैं बड़े बड़े एज यूजुअल, तो वो पूरे कहाँ से होंगे? तो आपके हिसाब से अगर आप घोषणा पत्र तैयार करें तो उनमें कौन से ऐसे 3 अहम मुद्दे होंगे जो आप शामिल करेंगे? एम्प्लॉयमेंट फॉर श्योर, रेवेन्यू जनरेशन तो होगा क्योंकि जब आप रेवेन्यू आएगा तभी डेवलपमेंट होगा, और इक्वालिटी की सबको इक्वल, एटलीस्ट जो लोग हैं इक्वल रोजगार मिल सके। और यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि 2022 के घोषणा पत्रों के सभी राजनीतिक घोषणा पत्रों में से आपको क्या लगा कि कौन सा घोषणा पत्र सबसे ठीक है? घोषणा पत्र और ठीक सवाल ही नहीं उठता घोषणा पत्र कभी ठीक हो सके, वो तो सिर्फ चुनावी हथकंडे होते हैं तो सब जनता जानती है। अब बीजेपी ने कहा 60 के पार, 60 के पार का मतलब क्या? 60 के पार जो हो जाएगा उसे उसमें राजनीतिक पार्टी मिलेंगे, 60 के बाद तो सबको रिटायरमेंट हो जाता है, तो 60 के पार राजनीति होगी या अपनी बात कर रहे हैं वो तो मेरे से परे है। बाकी रे ये जो घोषणा पत्र में कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के हम फ्री देंगे, फ्री कहाँ से देंगे? इनके पास पैसा है कहाँ से? काला धन रखा है इनके पास जो फ्री देंगे? कहाँ से ये खर्चे पूरे करेंगे? बिजली का बिल जिसका आता है ये पूरा पे कर देंगे? पूरे राष्ट्र का पे करेंगे, हिंदुस्तान का? कहाँ इनके पास पैसा? इन्होंने क्या नकली नोट छापने की मशीनें लगा रखी हैं? हम महिलाओं को 1000 देंगे 2000, अरे महिलाओं को रोजगार दो, यहाँ पर हॉस्पिटल खोलो जो जरूरत है। अब कोविड का इतना ओमिक्रॉन के ये थर्ड लहर आ रही है उसमें अगर तुम ये करोगे मीटिंगें वीटिंगें या चलो ठीक है चुनाव हो रहा है तो क्या करोगे? तो उसमें से तुम देखो ना, तुम सबसे पहले प्रोटेक्शन करो ना इनका, अपने देश का अपने प्रदेश का, कि आगे क्या जिम्मेदारियाँ हमारी। छोटे बच्चों के स्कूल तुम रैलियाँ कर रहे हो, स्कूल बंद हैं, रोजगार बंद है, 2 साल इन्होंने झेला है, उसके बाद क्या घोषणा? फिर फ्री में, अगर फ्री में देना था तो तब देते ना जनता को, क्यों नहीं राशन बांट सके, क्यों नहीं कुछ कर सके? क्या मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो ऐसा होना चाहिए कि हम नौकरियां देंगे, इक्वल राइट्स होने चाहिए, और जब नौकरियां देंगे और उसके बाद जब उनको तनख्वाहें जो देनी है जो फ्री में दे रहे हैं तो वो पैसा उधर जनरेट करे ना, जो पैसा जब नौकरी होगी तो बिजली का बिल तो हम भर सकते हैं, पानी का बिजली भी भर सकते हैं, और एजुकेशन ही नहीं है, वो बच्चों की फीसें ही इतनी ज़्यादा हो रखी हैं, तो वो करो ना।